लगा रहे हैं कि मेट्रो की लेट लतीफी के पीछे लाल फीताशाही और ठेकेदारों का भ्रष्ट गठजोड़ है। हद तो तब हो रही है जब मेट्रो का सामान भी बाजार में बेचा जा रहा है। मेट्रो के निर्माण कार्यों में हो रही देरी की दोहरी मार जनता पर ही पड़ रही है। एक और तो देरी के कारण बढ़ रहे बजट का भार तो जनता पर ही आ रहा है, वहीं मेट्रो आने में हो रही देरी से यातायात व्यवस्था चरमरा ही रही है। ये तमाम वाक्य मेट्रो में किसी बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं। आम जनता जांच की मांग सरकार से कर रही है। मेट्रो के माध्यम से जयपुर के वासिंदों को जो फायदा होने वाला था वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ये इसमें केवल जो यहाँ से ठेकेदारों को फायदा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सामान सरकार द्वारा सब्सिडी पे मेट्रो प्रोजेक्ट में लगाने के लिए मिलता है वो सारा का सारा सरिया, लोहा और अदर जो मेटेरियल्स होते हैं वो चोरी होके और सारा बाहर बेचा जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगी, गहलोत जी एक बड़ा भाषण देते हैं, कड़ी से कड़ी मिलाइए, तो ये कड़ी केंद्र से सरकार और नीचे तक मिलती जा रही है। नरेगा से लेके आप कितनी चीजें देखिए कि जहाँ भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार की कड़ी मिलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये कड़ी आम जनता के कार्यों के लिए ना होके सिर्फ और सिर्फ उनका खून चूसने के लिए, उनकी गाड़ी कमाई को करके रूप में लेके, और ये लोग ऐश करते हैं। ये जो बंदर बाट है ये जब तक, अब तो उनको जनता को ही जवाब देना पड़ेगा। ये तो सच है कि मेट्रो निर्माण की कछुआ चाल के पीछे कोई छुपी चाल भी है, लेकिन ये कारनामा नौकरशाह और ठेकेदार ही मिलकर कर रहे हैं, या फिर नेताओं का भी वरदहस्त इनको मिल रहा है, ये जांच का विषय है। मगर आम जन अब इसको लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में नजर आ रहा है। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की मुहिम में मेट्रो एक मील का पत्थर साबित होगी, इस सोच के साथ सरकार ने मेट्रो का काम शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे इसकी धीमी गति आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनता जा रही है। ये अलग बात है कि मेट्रो की तेज रफ्तार का सुख जयपुर वासियों को कब मिलेगा, लेकिन फिलहाल बार बार बढ़ती कीमतों का रोना रोकर ठेकेदार काम में ढिलाई बरत रहे हैं। वहीं बेलगाम लाल फीताशाही के चलते भी मेट्रो का काम अधर झूल में लटकता नजर आ रहा है। आलम यह है कि 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट 12000 करोड़ में तब्दील हो चुका है और इस सब का भार आम जनता की जेब पर आने वाला है। दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत मेट्रो लाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, इसके चलते वो अपना कटोरा लेकर केंद्र सरकार के पास बार बार जा रहे हैं, लेकिन अभी तक फूटी कौड़ी उनके हाथ नहीं लगी है। ऐसे में बेलगाम नौकरशाह और अक्षम राजनीति का दंश ये आम जनता कब तक भुगतेगी। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ लाल सिंह फौजदार, HBC न्यूज जयपुर। HBC विशेष में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।